Hey, welcome back. I'm Vivek Bindra. I'm an international motivation speaker, leadership consultant and a CEO coach. आज आपको मजा आने वाला है, दिल से बता रहा हूँ. हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड के अंदर जो इनोवेशन के बारे में पढ़ाया जा रहा है ना, एक अटेम्प्ट कर रहा हूँ सरल भाषा में हिंदी में आप तक लाने के लिए. बहुत रिच कॉन्टेंट है आज के वीडियो का, इसको मत छोड़िएगा, एंड तक देखिएगा. मोटिवेशनल नहीं है लेकिन इसकी ट्रांसफॉर्मेशनल इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगी. देखिए वीडियो पूरा देखिएगा, इसके एंड में मैं इनोवेशन के 5 स्टेप्स बताने वाला हूं. आप भी इनोवेशन करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं एक आइडिया को एग्जीक्यूट कर जाएं, 5 स्टेप्स में होगा. शुरू में बताने वाला हूं हो क्या रहा है और पहले समझना क्या है. देखिए क्योंकि मैं फॉर्मूला तो देता ही हूं तो फॉर्मूले से शुरू कर देता हूं. अगर समझ में ना आए तो भी पूरा वीडियो देखिएगा, मैं बता रहा हूं बिल्कुल अलग वीडियो है आज का. इनोवेशन शुड बी बेस्ड ऑन फ्यूचर disruptive projections, not on existing old assumptions. ध्यान दीजिएगा, इनोवेशन क्या होता है आज आप जानना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल की बात करेंगे. इनोवेशन शुड बी बेस्ड ऑन फ्यूचर डिसरप्टिव प्रोजेक्शंस, नॉट ऑन एग्जिस्टिंग एंड ओल्ड अजम्पशंस. ये जो एग्जिस्टिंग ओल्ड अजम्पशन होती है ये आपकी एक्सपीरियंस के बेस पे होती है. फ्यूचर डिसरप्टिव प्रोजेक्शन आपकी इमेजिनेशन के बेसिस पे होती है. एक्सपीरियंस के बेस पे आप मेंटेन कर जाएंगे लेकिन इमेजिनेशन के बेसिस पे ही इंप्रूव कर पाते हैं. नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए मेंटेन नहीं करना केवल, इंप्रूव भी करना है. आज मैं आपको एजिलिटी और स्टेबिलिटी की बात करूंगा. एजिलिटी से आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, स्टेबिलिटी से आप प्रोसेस बना के उसको मैनेज कर जाएंगे. अगर बहुत बड़ा प्रोफेशनल सक्सेस चाहते हैं तो किस प्रकार इनोवेशन को भी इनोवेट किया जा रहा है ध्यान से देखिए. जब इन द ईयर 1900 एंड 1910 रेडियो बड़ा प्रचलित हुआ करता था दुनिया में, हो सकता है आपके दादाजी भी खूब रेडियो सुनते हो, लेकिन उस समय किसी को विश्वास नहीं था कि फोटो वाला रेडियो आ जाएगा. 1920 के अंदर जब टेलीविजन आने लगा मेन स्ट्रीम के अंदर, लोग हैरान हो गए, ऐसा भी रेडियो होता है जिसमें बोलने वाले की फोटो दिखाई पड़ेगी. लोगों को विश्वास नहीं हुआ. डिसरप्शन का अर्थ है 100% चेंज. उसके बाद रेडियो के ऊपर जब टेलीविजन आ गया, टेलीविजन अभी यहां रुका नहीं. पहले तो ब्लैक एंड व्हाइट सीआरटी टीवी हुआ करता था. ये सीआरटी होता है कैथोड रे ट्यूब. उसके बाद कलर्ड सीआरटी टीवी आ गया, फिर प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल तो आप देखते थे थोड़े थोड़े दिन पहले तक चल रहा था, वो खत्म हो गया. एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले ने उसको खत्म कर दिया. एलईडी आ गया, लाइट एमिटिंग डायोड ओएलईडी आ गया, तो ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड. ये डिसरप्शन केवल टीवी टेक्नोलॉजी में नहीं हुआ, टेलीफोन में भी बहुत हुआ. 1940-50-60 तक जो ट्रंक कॉल किया करते थे, लोगों को नहीं पता था घंटों वेट करने वाली कॉल अभी खट 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 तुरंत मिल जाएगी. उन दिनों रेडियो कॉमन कैरियर सीसीसी फोन हुआ करता था. बाद में वो घुमाने वाला डायलर फोन आया. उसके बाद तो फिक्स्ड एनालॉग फोन के बाद पोर्टेबल कॉर्डलेस फोन आ गए. पर फोन यहां नहीं रुके, 90s में जब मोबाइल फोन आया उसने तो दुनिया हिला दी. कंपनी जितनी स्मार्ट हो गई कि उन्होंने सोचा मोबाइल के अंदर जितनी चीजें डालते जाएं आदमी का जीवन आसान होता जाएगा. इसको बोलते हैं डिसरप्शन. पहले मोबाइल का इस्तेमाल फोन पे बात करने के लिए किया जाता था, अभी आप देखते जाइए. 1996 में वॉच और कैलेंडर पहली बार डाला गया. उसके बाद 2002 के अंदर पहला कैमरा फोन आया 0.3 मेगापिक्सल का. इवॉल्व होता रहा, ब्लैकबेरी ने ईमेल भी डाल दिया. 2005 में पहला वॉकमैन फोन आया जिसने म्यूजिक और एफएम को समाप्त कर दिया. 2008 में स्मार्टफोन आने लगे जो कि इंटरनेट रीडिंग न्यूज़पेपर वॉचिंग टीवी सब चीजों को हिला दिया. आज आपके मोबाइल फोन में घड़ी कैलेंडर म्यूजिक रेडियो एफएम मूवीज टीवी गेम्स कैलकुलेटर बुकिंग बैंकिंग शॉपिंग वेब ब्राउजिंग ईमेल वॉलेट मैप्स एंड नेविगेशन अलार्म क्लॉक हेल्थ मॉनिटरिंग न्यूज़पेपर कैमरा फाइल मैनेजर टॉर्च. इन्होंने सोचा इसी मोबाइल फोन के अंदर सब कुछ डालते जाओ, एक एक करके आदमी का जीवन बड़ा आसान कर दो. अभी इतना ही नहीं है, एंड्रॉइड के साथ रोज हजारों नई मोबाइल एप्लीकेशन बन रही हैं आपके जीवन को आसान करने के लिए. 2030 तक 80% इंडस्ट्रीज को डिसरप्ट कर देंगे ये सॉफ्टवेयर. अमेज़न फ्लिपकार्ट ओला उबर एयरबीएनबी पेटीएम ये सब क्या है, ये खाली सॉफ्टवेयर ही तो है जिन्होंने आज धंधा करने के तरीके को बदल दिया है. आज से 20 साल के बाद आपकी जो करंट स्किल सेट है ये पूरा ऑब्सोलीट हो चुका होगा. 80% जॉब्स एकदम बदल चुकी होंगी, नए प्रकार की जॉब्स आ चुकी होंगी. आज जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है आज से 30 साल के बाद वो किसी काम का नहीं होगा. 2D स्कैनर और प्रिंटर के बारे में आपने मैंने सबने सुना है, फोटोकॉपी आपने कराई, कलर प्रिंट आउट आपने कराया, सब जानते हैं. लेकिन 3D स्कैनर प्रिंटर दुनिया में वो तूफान लाने वाले हैं जो किसी को समझ में नहीं आएगा. ये 3D स्कैनर प्रिंटर क्या होता है? 2D मतलब 2 डायमेंशन, 3D मतलब 3 डायमेंशन, 2 डायमेंशन मतलब स्ट्रेट पेपर, 3 डायमेंशन मतलब जैसे एक बॉल उसको इधर
इधर इधर कहीं से भी छू सकते हैं। आजकल बड़ी बड़ी मशीन आ गई हैं प्रिंटिंग की, जिसमें बीच में स्पेस होता है और वहां पे आप ऑब्जेक्ट को डालो, ऊपर से वो स्कैन कर लेगा पूरा चारों तरफ से ऑब्जेक्ट को, हर तरफ से स्कैन करके अंदर, उसको बोलते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। कमाल हो गया साहब, आपकी बुद्धि चकरा जाएगी। आज हर चीज की 3D प्रिंटिंग हो रही है। आज हवाई जहाज से लेकर के एक छोटी बॉल से लेके, एक ईंट से लेके, एक बिल्डिंग से लेके, आपके पांव के जूते से लेके आपकी चम्मच तक हर चीज प्रिंट हो सकती है। एक इंसान को भी प्रिंट किया जा सकता है, जीवित नहीं होगा, ऑफ कोर्स वो इंसान जीवित नहीं होगा, लेकिन हूबहू एकदम वही इंसान खड़ा हो सकता है। हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, कंस्ट्रक्शन, ये सब तो ऑलरेडी इस्तेमाल कर रहे हैं 3D प्रिंटिंग का। आपको जान के बुद्धि चकरा जाएगी। चाइना के अंदर एक कंपनी ने एक दिन में 10 बिल्डिंग 3D से एक्चुअली खड़ी कर दी। हो सकता है आप में लोगों को विश्वास ना हो रहा हो, ना हो तो गूगल पे जाके सर्च कर लेना एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। रिसेंटली दुबई के अंदर एक कॉर्पोरेट ऑफिस पूरा का पूरा बिल्डिंग, कई माले की मंजिलों की बिल्डिंग खड़ी कर दी 3D प्रिंटिंग के माध्यम से। 3D प्रिंटिंग बहुत पैसा बचाएगा, बहुत समय बचाएगा। एक कॉर्पोरेट ऑफिस खड़े करने में सालों लग सकते थे। ऑफ कोर्स आज प्रिंटिंग मशीन थोड़ी महंगी है, लेकिन आज से 4 साल पहले या 3 साल या 2 साल पहले के मुकाबले रोज सस्ती हो रही है। मैं उम्मीद कर रहा हूं 2025 तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पूरी तरह बदल जाएगी। आज अगर आप ईंट और मिट्टी के साथ बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, चिंता मत करिए, कंपैटिबल मटेरियल के साथ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल 3D मशीन आ गई हैं, जिसमें पहले पूरे मॉडल को स्कैन कर लो और अंदर कंपैटिबल मटेरियल डाल दो तो पूरे पूरे बोल्डर्स वो निकाल के खड़े कर देगा तुरंत बनाते हुए। हाई स्पीड पे हो रहा है, 300 गुना ज्यादा तेज, 300 गुना बड़ा। ऑलरेडी काफी दिन हो चुके हैं, 3D की पहली गाड़ी बन चुकी है ऑलरेडी। आज 90% मेडिकल डिवाइसेस कई हिस्सों के शरीर के अमेरिका के अंदर 3D प्रिंट किए जा रहे हैं। हो सकता है थोड़े दिन के बाद आपको कोई जूता चाहिए बढ़िया सा, उसका 3D मॉडल लो, स्कैन करके मशीन के अंदर डाल दो, फट नया जूता बनाया, पहना और निकल गए, घर पे ही काम हो जाएगा। जमाना बदल रहा है, दुनिया बहुत तेज बदल रही है, इसको बोलते हैं इनोवेशन। 4-5 बातें बड़ी कमाल की बताना चाहता हूं। किसान थोड़े दिनों में किसान नहीं रहेगा, किसान थोड़े दिनों में मैनेजर बन जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चरल रोबोट आ जाएंगे, रोबोट फार्मिंग करेंगे, किसान मैनेजर की तरह देखेगा, काम कराएगा। जमाना बहुत तेज बदल रहा है। आपको क्या लग रहा है, ऑडी का कॉम्पिटिटर मर्सिडीज और BMW रह जाएगा? बिल्कुल नहीं, ऑडी का कॉम्पिटिटर बनने वाला है गूगल, टेस्ला और एप्पल। गूगल, टेस्ला, एप्पल, गूगल तो गाड़ी नहीं बनाता, एप्पल भी गाड़ी नहीं बनाता, तो वो कैसे कॉम्पिटिटर हो जाएगा? अभी देखते जाइए, ड्राइवरलेस गाड़ियां आ रही हैं, ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है कैलिफोर्निया के सड़कों पे, ऑलरेडी 200 किलोमीटर, 500, 1000 और 10,000 किलोमीटर की ड्राइव गूगल कर चुका है ड्राइवरलेस गाड़ियों के साथ में। उसमें स्कैनिंग लेजर टेक्निक्स बना दी है आगे पीछे कैमरा के साथ में, जो सब कुछ चेक कर रहा है। ड्राइवरलेस गाड़ी में 0 चांसेस होने वाले हैं एक्सीडेंट के, 0 चांसेस, इतना प्रिसिजन आ रहा है। इस तरफ है ट्रेडिशनल कार मैन्युफैक्चरर और इस तरफ है टेस्ला, गूगल, एप्पल। ट्रेडिशनल कार मैन्युफैक्चरर इवोल्यूशन अप्रोच से काम कर रहा है कार ऑन व्हील, और टेस्ला, गूगल, एप्पल रेवोल्यूशन अप्रोच पे काम कर रहा है कंप्यूटर ऑन व्हील। ये जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरर है ना, ये गाड़ी के अंदर कुछ 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 इंप्रूवमेंट ला रहा है, लेकिन ये एप्पल, गूगल और टेस्ला सब कुछ बदल देंगे। थोड़े दिनों में ट्रेडिशनल कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बैंकक्रप्ट होने वाली है, आप देखते जाइए। इस समय बुद्धि चकरा गई है अमेरिका के अंदर। टेस्ला इलेक्ट्रिक कार जो ला रहा है ना, इस समय ऑलरेडी उनका मार्केट कैपिटल बाकी कंपनियों के मुकाबले सबसे ज्यादा तेज बढ़ रहा है। टर्नओवर उतना नहीं बढ़ा, लेकिन एकदम रेवोल्यूशन ला दिया है गाड़ियों में। BMW, ऑडी, मर्सिडीज, तबियत खराब हो गई है वहां पे लोगों की, उनके सारे इंजीनियर इस समय परेशान हो रहे हैं टेस्ला के आने से। रडार टेक्नोलॉजी की तरह लीडार टेक्नोलॉजी आ गई है, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ये लीडार टेक्नोलॉजी की मदद से गूगल जो अपनी गाड़ियां बनाने जा रहा है, गूगल एक्चुअली गाड़ी खुद नहीं बनाएगा, वो वेंडर, मैन्युफैक्चरर, सप्लायर, थर्ड पार्टी साथ में लेकर के ऑर्गेनाइज करेगा, अपना सॉफ्टवेयर, अपने सिस्टम बना करके उसके बाद पार्टनरशिप में जो गाड़ियां बनाने वाला है ना गूगल, हैरान हो जाएंगे, बुद्धि चकरा जाएगी। आज इस समय जमाना इतनी तेज बदल रहा है, इनोवेटिंग द इनोवेशन, इसीलिए कह रहे हैं इनोवेशन शुड बी बेस्ड ऑन फ्यूचर डिसरप्टिव प्रोजेक्शंस, नॉट ऑन योर एग्जिस्टिंग ओल्ड अजम्पशंस। एग्जिस्टिंग और ओल्ड अजम्पशंस से खाली आप बहुत पीछे रह जाएंगे। सेंसर मॉनिटर गाड़ियों में 3D डायनामिक मैप्स बना देगा, और तो और बाकी सब छोड़िए, चाबी की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिंगरप्रिंट से या आईबॉल रेटिना से ही गाड़ी खोल देंगे। आपको इस समय हो सकता है आने वाले समय के अंदर आपके बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की जरूरत ही ना पड़े, ड्राइवरलेस गाड़ी आएंगी। मोबाइल एप्लीकेशन से बटन दबाया और जाने की लोकेशन और स्टार्ट करने की लोकेशन डाली, गाड़ी आएगी, आपको पिकअप करेगी, ड्राइवर नहीं होगा, आपको जगह पे छोड़ देगी, प्रिसीजन इतना होगा उसमें, एक्सीडेंट
एक्सीडेंट होएगा ही नहीं कभी, उससे क्या होगा, धीरे धीरे एक्सीडेंट की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी, सड़कों पे एक्सीडेंट नहीं होगा, इंश्योरेंस वालों का धंधा खत्म हो जाएगा, मार्केट इतना तेज चेंज होने वाला है, इनफैक्ट आपको पार्किंग की स्पेस की जरूरत ही नहीं, जितना जहां से चालू किया उतने तक पे किया, गाड़ी आई और चली गई, टेंशन ही नहीं। हो सकता है लोग, क्योंकि अब ड्राइव नहीं करना, लोग दूर रहेंगे, रस्ते के अंदर पढ़ाई करेंगे, इतना तेज डिस्ट्रप्शन हो रहा है। कब से आपसे कह रहा हूं, पुरानी ओल्ड अजम्पशंस पे मत चलो, फ्यूचर प्रोजेक्टेड डिस्ट्रप्शंस, नॉट ऑन एग्जिस्टिंग ओल्ड अजम्पशंस। फेसबुक ने एक पैटर्न रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर ऑलरेडी बना लिया है, इंसान इंसान को पहचानने में गलती कर सकता है, फेसबुक नहीं करेगा, ऐसे पैटर्न डेवलप कर लिए हैं। इनफैक्ट आने वाले समय में स्मार्टफोन इतने सस्ते हो जाएंगे जितनी सस्ती सब्जियां मिलती हैं, और इनफैक्ट जब पढ़ाई भी मैक्सिमम ऑनलाइन हो जाएगी, तो ऐसे ऐसे दूर दराज के गांव के लोग भी जिनके पास कोई सुविधा नहीं थी, ऑनलाइन ही पढ़ पाएंगे, लिटरेसी रेट बढ़ने के चांसेस काफी तेज हैं। इनफैक्ट आने वाले समय में 2030 के अंदर कंप्यूटर ह्यूमन ब्रेन से बहुत ज्यादा स्मार्ट हो जाएगा। एक्चुअली इस फास्ट मूविंग कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर इनएफिशियंट इनोवेशन प्रोसेस आपको किल कर देगा, एकदम खत्म कर देगा, आपको समझ में नहीं आएगा। धीरे 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 आप रोज नीचे जा रहे होंगे, अब क्योंकि धीरे धीरे जा रहे होंगे ना तो पता नहीं लगेगा, धीरे धीरे जा रहे होंगे पता नहीं लगेगा, लेकिन कुछ समय के बाद लगेगा ये क्या हो गया, ये क्या हुआ। एक्चुअली इस वीडियो को मैंने दो हिस्सों में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि जो सेकंड पार्ट है वो अवार्ड विनिंग कॉन्टेंट है।